शांति दीदी, आज बाबा ने मुरली में कहा कि जो पहले पहले शिष्य पर पाठ बजाने आते हैं उनके ही 84 जन्म होते हैं। देखो मुख्य पाठ है भारत का, उनमें भी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वह 84 जन्म लेते हैं। 84 का चक्र कहते हैं, 84 लाख का चक्र नहीं कहते। बाबा ने दो आत्माओं का राज भी समझाया, दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है, अशुद्ध आत्मा का ही प्रवेश हो सकता है ना, तो परमपिता परमात्मा भी आ सकते हैं। बाकी कहते हैं मैं निराकार ना आऊं तो राजयोग कैसे सिखलाऊं। मुझे ही ज्ञान सागर कहते हैं, मनुष्य स्वर्ग की स्थापना तो नहीं करेंगे ना, बाप को ही कहा जाता है हेवनली गॉडफादर। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।